गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक चेतन मन और उसका सुनियोजन, इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों की अनंत सामर्थ्य को जानेंगे। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग बहुलता से रहते हैं अथवा जहाँ का चिंतन एक स्तर का चलता रहता है, वहाँ का वातावरण एक विशेष प्रकार की विशेषता से प्रभावित हो जाता है। सामूहिकता की शक्ति अपने आप में एक विशेष क्षमता रखती है। मरघट में डरावना वातावरण रहता है, वहाँ आए दिन मूर्ति जलते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि दाह संस्कार के लिए जो लोग आते हैं उनमें अधिकांश के मन में विषोह, वेदना और शोक भरी भावना रहती है। मुर्दे के जल जाने और उस कुल में सम्मिलित होने के लिए आए लोगों के चले जाने पर भी विशेष संवेदनाओं का प्रभाव उस भूमि पर बना रहता है। बहुत समय तक यही क्रम चलते रहने पर भूमि, वहाँ के पेड़ पौधे उन संस्कारों को धारण कर लेते हैं। फल ये होता है कि जो भी वहाँ पहुँचता है वो अपने में एक विशेष प्रकार की सनसनी अनुभव करता है और भयभीत जैसी मन स्थिति हो जाने का अनुभव करता है। यही बात कसाईखानों में और वैश्यालयों के मोहल्ले में भी नजर आती है। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आंधी चलती है तो पत्तियाँ टहनियाँ हिलने लगती हैं, लेकिन कमजोर पेड़ पौधे तो उखड़ ही जाते हैं। पर ऐसे दृढ़ वट वृक्ष जहाँ तहाँ होते हैं, उन पर आंधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे चट्टान की तरह अपने स्थान पर अटल खड़े रहते हैं। एक साहसी के साथ अनेकों व्यक्ति साहसी बन जाते हैं, जबकि एक कायर के साथ अनेक कायर भी बनते हैं। विचारों की शक्ति अपार है, वो ऊंचा भी उठा सकती है और नीचे गिराने में भी समर्थ है। इस शक्ति की महिमा असीम और अपार है। उसकी क्षमता को अपनाया और कर्म रूप में परिणित किया जाना चाहिए। मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। करने से पहले ये विचार के रूप में विकसित होती है क्रिया। विचार तब बनते हैं जब अनगढ़ कल्पनाओं का बुद्धि द्वारा इतना परिमार्जन कर लिया जाता है कि व्यवहार में उतारने योग्य बन जाते हैं। विचारों का शरीर के समस्त अंग अवयवों पर आधिपत्य है। कठपुतली को धागों के सहारे बाजीगर नचाता है। मन के निर्देशन पर ही शरीर के विभिन्न अवयव निर्देशित प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसी का नाम कर्म है। वे मात्र विचारों की ही परिणति है। विचारों की विद्युत शक्ति मात्र संबंध व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समूचे अंतरिक्ष में बिखर जाती है। वे हवा की तरह उड़ते रहते हैं और जहाँ भी अपनी अनुरूपता देखते हैं वहाँ डेरा डालकर बैठ जाते हैं। धातुओं की खदानें भी इसी प्रकार जमा होती हैं। दूर दूर तक रेत में बिखरे हुए कणों में से किसी जगह एकत्रित हुआ ढेर अपने चुंबकत्व द्वारा बिखरे कणों को समीप घसीटता रहता है और छोटे से छोटा और छोटे से बड़ा बनता रहता है। विचारों के संबंध में भी यही बात है। वे जब भी जहाँ भी एकत्रित होते हैं वहाँ अपना समुदाय बना लेते हैं। विचारनाओं भावनाओं की उत्कृष्टता ही मानवीय उत्कर्ष का अभ्युदय का प्रमुख आधार है। जो इस तथ्य को भली भांति जानते हैं वे अपनी चिंतन चेतना को सदैव ऊर्ध्वगामी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। विचार शक्ति की महिमा से अनभिज्ञ व्यक्तियों को जिस प्रकार अस्त व्यस्त जीवन जीने को विवश होना पड़ता है और अविकसित मन स्थिति में ही दम तोड़ते देखा जाता है। विचारों का स्तर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी होगा, व्यक्तित्व भी उसी प्रकार ढलता जाएगा। मन चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज आर वेज ने
नेगेटिव प्रकार की विचारधारा को मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु बताया है। अपनी पुस्तक द इनर एनिमी में उन्होंने लिखा है कि संसार में